और बात करते हैं जबलपुर की, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा वहां पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने संभागीय मीडिया कार्यालय का उद्घाटन किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने तो कांग्रेस को यहां तक कह दिया कि उनमें अंग्रेजों का जीन है और जब तक कांग्रेस खत्म नहीं होगी तब तक ये जीन्स भी ऐसे ही रहेंगे। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये जो कांग्रेस नाम का तत्व है, ये अंग्रेजों की तरह फूट डालो राज करो की नीति वाला जीन है। नौजवानों से झूठ बोलकर इन्होंने गलती से अपनी 15 माह की सरकार बना ली थी, पर अपने किए गए वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। बीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ से पूछिए कभी वो जबलपुर आए। हालांकि अब वो जबलपुर नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका हिसाब किताब हो गया है और अब वो मुंबई में ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोलना इतने में भी बंद नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि कमलनाथ को तो ये भी नहीं पता कि गरीबी क्या होती है, काम क्या होता है, जमीन क्या होती है। कमलनाथ ये भी नहीं जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में कितनी नगर पंचायत है। कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलने वाली पार्टी है और वो इसलिए कि कांग्रेसियों के खून में अंग्रेजों का जीन आज भी है और जब तक पूरी तरह से कांग्रेस समाप्त नहीं होगी तब तक ये अंग्रेजों का जीन भी खत्म नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। कमलनाथ जी को तो ये भी नहीं पता होगा कितनी नगर पंचायत है, जमीन क्या है, गरीबी कहाँ है, काम क्या है, ये तो कभी देखा ही नहीं है। लेकिन झूठ बोलने में लोग बहुत माहिर है भैया। झूठ छल कपट की राजनीति करने का आदत है। आदत क्यों है? क्यों? अंग्रेजों का जीन्स कांग्रेसियों के खून में आज भी है। जब तक कांग्रेस टोटल समाप्त नहीं होगी तब तक ये जीन्स भी समाप्त नहीं होगा। तो उनकी तो आदत है, फूट कैसे डाली जाए।